जिनको बहुत सारी जातियों में बांटा गया है। हमारे अल्पसंख्यक समाज के साथी हैं, जिसमें से बड़ी आबादी हमारे मुसलमान भाइयों की है और कुछ आबादी हमारे सिख, जैन, बौद्धिस्ट लोगों की भी है। अगर हम ऐसे लोग मिल करके, जिनकी हमारी समस्याएं एक तरह की है। देखिए, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं। जितनी बुंदेलखंड के लोगों की समस्याओं के बारे में मैं जानता हूं, यहां का व्यापारी हो, यहां का गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, पानी की समस्या हो, चाहे गर्मी की समस्या हो, चाहे खास करके महोबा में ज़िले में पानी पीने की समस्या हो, जितना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उतना शायद कोई और पार्टी का नेता नहीं जानता है। लोकल नेता तो जान सकता है, लेकिन किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जानता है जितना मैं जानता हूँ। तो मैं तो आपके माध्यम से बुंदेलखंड के साथियों से यही कहूँगा कि आपकी अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, आप इसको जिताइए। हम महोबा सहित जितने बुंदेलखंड के ज़िले हैं, सारे ज़िलों की समस्याओं का समाधान हम लोग मिलजुल करके करेंगे। आप सब लोग जन अधिकार पार्टी के साथ यहाँ पर किसान। देखिए, लगभग 1500 से 1800 के बीच में यहाँ किसान भाइयों ने आत्महत्या की है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर किसान और मजदूर होता तो एक साल से किसान भाइयों ने आंदोलन किया दिल्ली के बॉर्डर में बैठ के, ऐसे कानून के लिए जो जिसको उन्होंने मांगा नहीं था वो उसको उन्होंने दिया। उसको वापस लेने के लिए एक साल उन्हें संघर्ष करना पड़ा। सरकार ने कहा कि मैंने वापस ले लिया, अगर यही काम वो पहले कर लेते 600 लोग मरे वहाँ। तो ये जो आप बता सकते, देखिए, कृषि बिल लेना, वो ये जान गए हैं कि देश का किसान जागरूक हो गया है, उनको चुनाव में नुकसान होगा, वो वोट नहीं देने जा रहा। किसान कानून ख़राब हैं, उनको वापस लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने वापस किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जहां एक तरफ बीजेपी हमारे लिए ख़राब है तो समाजवादी पार्टी हमारे लिए अच्छी नहीं है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है कि मुसलमानों से खतरा है, हमें वोट दीजिए, और दूसरा कहती है कि नहीं, हम समाजवादी हैं, बीजेपी से खतरा है, बैकवर्ड का रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, मुसलमान भाइयों को के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। लेकिन काम दोनों नहीं करते हैं। अदर बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटी के लिए जितना बीजेपी नुकसान नहीं करती, उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी नुकसान करती है। तो इसलिए हमारे लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों हमारे लिए ख़राब। को मैं अगर ध्यान दिलाऊं, इस सरकार की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पर्चा लीक नहीं हुआ है। आप जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसका पर्चा लीक नहीं हुआ। सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार में कुछ बैठे हुए लोग जानबूझ करके इस काम को कराते हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार की इसमें बहुत बदनामी हुई है। महोबा आगमन है, क्या संदेश दिया अपने लोगों को? महोबा में आ करके उसको मना। आज हमारा कबरई में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित भाईचारा बनाओ सम्मेलन था। इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको इकट्ठा करके भाईचारा बना करके अगर उन्हें हक हिस्सा लेना है तो अपने वोट का इस्तेमाल जन अधिकार पार्टी के पक्ष में करना होगा। यही आज की मीटिंग का मकसद था और उद्देश्य था। जन अधिकार पार्टी किसके साथ गठबंधन कर रही है? जन अधिकार पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी विचारधारा से सहमत पार्टी मिलती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो किसान के लिए काम करना चाहती हो, मजदूर के लिए काम करना चाहती हो, फ्री शिक्षा की जो बात करती हो, किसान की सिंचाई के लिए जो फ्री बिजली की बात करे, बच्चों के रोज़गार के लिए जो बात करे, ऐसी विचारधारा की अगर कोई पार्टी हमसे बात करती है तो हम उससे बात करेंगे। कौन सी ऐसी पार्टी है? देखिए, पार्टी अगर कोई अच्छी होती, जो गरीब और कमज़ोर के लिए काम करने के लिए खड़ी होती, तो हम जन अधिकार पार्टी क्यों बनाते। लेकिन बहुत सारी पार्टियां चुनाव के मौके पर या कभी कभी उनका दिल अच्छा होता है उनके नेताओं का, तो वो अपने में कुछ विचार करते हैं, तब्दीली लाते हैं। अगर कुछ तब्दीली आ गई और उन्होंने कहा कि हम उनके लिए काम करेंगे, हम आपके नारे के साथ सहमत हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आगामी तो हो जाए, हम लोगों की बात चल रही है, हमारे साथियों ने चर्चा की है, बहुत अच्छा प्रत्याशी उतारेंगे हम और जीतेंगे भी। महोबा से भी, चरखारी से भी, राठ से भी, हमीरपुर से भी। में दो दारू? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आपने उसको समझा नहीं, आप उसका अर्थ गलत निकाल रहे हैं। मैंने कहा बहुत सारे लोग भाई हमारा वोट खरीदना चाहते हैं दारू में, मुर्गे में, पैसे में। आपको नहीं बिकना चाहिए, और अगर आपका नहीं चलता है तो ठीक है भाई, कोई अगर आपको ज़बरदस्ती देता है तो क्यों उनका मन खराब करते हो, लेकिन वोट अपनी पार्टी को दो।